नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या आप भी अपने जीवन में धनवान बनना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा की से कभी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए शुक्रवार का दिन उचित बताया गया है। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, जिनके अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग महिमा है। मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसे धन की कमी नहीं होती, उसका जीवन सुखमय गुजरता है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति धन दौलत कमाना चाहता है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने से पहले कई संकेत देती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कौन से हैं वो संकेत। माता लक्ष्मी आपके घर में आने से पहले इस बात का संकेत माता लक्ष्मी सपने के जरिए भी देती हैं। आपको इस तरह के सपने दिखने लग जाएं तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपके घर में आने वाली हैं। अगर आपको सपने में सांप के बिल के साथ दिखाई दे तो आप समझ लीजिए आपके घर धन आने वाला है, क्योंकि ये धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगर आप सपने में खुद को पेड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है आपके पास धन आने वाला है। इसके अलावा आपको अपने जीवन में कैरियर में ऊंचा मुकाम हासिल होने वाला है। तीसरा होता है, यदि आप सपने में किसी महिला या किसी छोटी बच्ची को नृत्य करते हुए देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपको अचानक धन प्राप्त होने वाला है, क्योंकि महिलाओं को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सपने में स्वर्ण आभूषण दिखाई दें तो यह भी बहुत ही जल्दी धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। ये सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में चूहा दिखाई दें